आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं इसके अंदर। आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आज क्या रिजोल्व करना है कि एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, जो नॉर्थ जेएस के इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एपीआई व्हिच गिव्स द मिसिंग नंबर इन एन एरे ऑफ इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम वन। और एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आपको एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर एक नंबर मिसिंग है, ठीक है, और यहाँ पे हिंट बताया भी गया हुआ है कि फोर मिसिंग है, ठीक है। तो आपका कोड इस प्रकार से दिखेगा, ये बताया हुआ है। एपीएस किस प्रकार से क्रिएट होगी, ये वाला सिंटेक्स बताया हुआ है, ठीक है, और आपका जो पाथ दिया हुआ है ये वाला रहेगा सॉल्व वन। इसके बाद एक फंक्शन है, रिक्वेस्ट है, रेस्पॉन्स है, देन यहाँ पे एक लॉजिक दिया हुआ है कि किस अकॉर्डिंग आपको करना है प्रोग्राम। तो आपका सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सम लेना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, देन सारे नंबर्स को एरे में क्रिएट करना है। इसके बाद एक और सम लेना है, सो लार्ज। ओके ओके ओके, ठीक है। इसके हम बेसिकली करना क्या है कि सम लेना है, जहां तक लास्ट डिजिट तक जो एरे चलता है वहां तक का सम लेना है, और इस फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। अब एक क्या करना है, एक एरे इस प्रकार से दिखेगा और एक वेरिएबल का नाम भी दिया हुआ है पहले से, और लॉजिक यहाँ आएगा। इतना इजी पहले सिंटेक्स बना के दिया हुआ है, और जो रिक्वेस्ट सेंड होगी इसके अंदर होगी, ठीक है। एक डेटा दिया हुआ है और एक मिसिंग नंबर का दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर थ्रो करवाया उन्होंने। तो आप एक बार इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या वर्क कर रहा है। सभी से पहले यहाँ पे जो राउटर रोड गेट था, सॉल्यूशन सॉल्व वन करके एक ये पाथ था, जो पाथ डायरेक्ट ले लिख दिया है, ठीक है। और ये फंक्शन है, ये बेसिकली वो कवर स्ट्रक्चर फॉलो किया है, हमने एक एरे लिया दिया हुआ था जो वो डायरेक्टली रख दिया है, डायरेक्टली नहीं रखा है, डायरेक्टली रख देते हैं जिससे। बेसिकली मैंने एरे को तोड़ लिया था ट्राई करने के लिए। इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं, सेकंड कुछ और कॉपी और रखा था आई थिंक। तो एक एरे यहाँ पे डायरेक्टली मैनुअली क्रिएट कर देता हूँ मैं, 1 2 3। ठीक है, ये बेसिकली गैप था यहाँ पे 4, और यहाँ पे वेरिएबल नाम क्या दिया हुआ था, मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर तो वेरिएबल ले लेंगे एक, जो यहाँ पे हमने दिया है, एक टोटल ले लिया है जिसके अंदर टोटल आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। एक फॉर लूप चलाया है, इसके अंदर सबसे पहले आई इक्वल टू 0 से चलाते हैं, इसके बाद आई की कंडीशन रखते हैं, यहाँ पे ये एरे आ गया, एरे का साइज पूरा का पूरा कैलकुलेट हो गया जाएगा, कितनी लेंथ है इसके अंदर, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी कंडीशन आई प्लस प्लस होगी, कंडीशन यहाँ तक चलेगी, मतलब कि इसका कंडीशन जैसे देख सकते हैं आई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो आई लेस देन 6, ठीक है, मतलब 6 तक कंडीशन चल सकती है इसकी, उसके बाद ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, टोटल है, टोटल प्लस इक्वल टू एरे आर आर आई, मतलब जो इंडेक्स नंबर जहाँ पे ये रन करेगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये टोटल के अंदर ऐड होता जाएगा, टोटल इक्वल टू, इसका बेसिक लॉजिक ये, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस ए आर आर, देन आई,
इसको इस मेथड में भी लिख सकते हैं, रेन करवेंट करके। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल नंबर आ गया, ये लूप टोटल नंबर के लिए चला था, इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट करके एक टोटल नंबर लिख दिया। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एन वेरिएबल है, ठीक है, वहां पे रिक्वायरमेंट थी कि ये वाला मेथड लगाना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अब क्या किया है, एन के अंदर हमने ए आर आर की लेंथ प्रिंट करा दी, ए आर आर की लेंथ क्या है अपने 6, ठीक है, और इसका जो एन नंबर रहेगा लास्ट डिजिट कहाँ तक आएगी, मतलब बेसिकली क्या किया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 तक चलेगा। तो आप यहाँ पे एन का वैल्यू क्या कर दी, 5 कर दी यहाँ पे, मतलब 6 - 1, 5 है ना। ए आर आर लगा दिया, लेंथ लगा दिए और ये कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे लगाते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये ए आर आर क्यों लगाया है, क्योंकि जैसे किसी की इंडेक्सिंग लेनी है लास्ट डिजिट की, ठीक है, तो उसके लिए एन आएगा। अब लास्ट डिजिट की इंडेक्सिंग कैसे लेंगे, यहाँ पे एन 5 है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक बार शो करके बता देता हूँ किस प्रकार से लोग करेंगे, ए आर आर 5, अब इसकी वैल्यू क्या है 5th इंडेक्स पे 7, तो ऐसे करके ये लास्ट इंडेक्स दे देगा, लास्ट इंडेक्स नंबर। और ये वाला जो एरे चलाया है कॉन्सिक्यूटिव एरे के लिए चलाया है, जो लगातार चलता है। अब यहाँ पे हमारे पास मिसिंग नंबर था, तो मिसिंग नंबर डायरेक्टली वेरिएबल को चेंज करके यहाँ पे मिसिंग नंबर टाइप करके दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। मिसिंग नंबर, इसके बाद इसमें क्या किया मैंने, टोटल में से माइनस करवा दिया, क्योंकि मैं भी यहाँ लिखा भी हो, मिसिंग नंबर, ठीक है, ये रहा यहाँ लिखा हुआ। तो अब इसके अंदर वैल्यू, ये मेथड यही होता है, इसके अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले एरे के लेंथ लेते हैं, इसके बाद लास्ट इंडेक्स निकालते हैं, और लास्ट इंडेक्स को इससे मल्टीप्लाई करके ये वाला मेथड लगाते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी फाइंडिंग वैल्यू जो आती है वो निकल इजिली, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर रिक्वेस्ट को इस पे रेस्पॉन्स पे सेंड किया है, यहाँ पे जो वैल्यू पुट अप करवा दिया यहाँ पे सेंड करवा देते हैं, एक बार चला कर देख लेते हैं इसको। तो अब इसके बाद यहाँ पे जाना है, इसके ब्राउजर पे जाते हैं, Solution 1 का टाइप कर लेते हैं, ओके, कीबोर्ड 4 डिजिट, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग करने के लिए एक बार डिजिट चेंज भी करके देख लेते हैं यहाँ पे। कीबोर्ड 4, ठीक है। अब यहाँ पे लूप एंड करते हैं, कंट्रोल से देन वापस चलाते हैं, ओके। यहाँ पर डेटा प्रिंट कर दिया, ठीक है, मिसिंग वाली ये वाली। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम इजीली रन हो गया था, क्योंकि तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, एक टोटल वेरिएबल लेना है, उसका टोटल निकालना है, देन जो मेथड्स दिए हुए हैं उसको यूज करना है, एन वेरिएबल लेना है, एन के अंदर लास्ट इंडेक्स निकालनी है उसकी, देन कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो लगाना है, देन यहाँ पे जो मिसिंग नंबर वैल्यूज आ रही है, ठीक है, उसको इसमें से माइनस करना है, देन हो गया। मिसिंग नंबर बेसिकली इसके अंदर रिजल्ट दे सकते हैं, जो देना चाहते हैं उसको वैसे भी रह सकते हैं,
सेकंड, और यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं मिसिंग नंबर वन का, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। और यहाँ पे इसी के अंदर रिजल्ट माइनस टोटल कर लेंगे। इससे क्या थोड़ा इसका लेना आसान हो जाएगा, यहाँ पे ओनली मिसिंग नंबर ही रहने देते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको रन भी करा के देख लेते हैं इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, इट्स वर्किंग। ओके, बेसिकली ये वाला प्रोग्राम इस प्रकार से चल रहा था।